क्या कोई पत्रकार आपको इसलिए गाली दे सकता है क्योंकि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया? बीजेपी के नेता हनुमान जी की तौहीन करें तो ठीक, दूसरे हनुमान जी के दर्शन भी नहीं कर सकते। ये औरतें लाइन में खड़ी हैं सिर्फ वोट देने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी ताने मार रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम पर। कितना जलील होगे तुम ये तो बता दो। न्यूज चक्र में हम तीन मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत से आखिर मीडिया को इस कदर मिर्ची क्यों लगी? मुद्दा नंबर दो, उमर अब्दुल्ला का गुनाह सिर्फ यह था कि उसने आतंकवाद के खिलाफ लोगों को प्रेरित किया कि जाओ वोट डालो, इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। और आरएसएस के ये नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं, सुन रहे हो ना बीजेपी। दोस्तों, 24 घंटे के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए कि दिल्ली में कितनी वोटिंग हुई, मगर क्या आप जानते हैं इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव आयोग किस तरह से अलग अलग बयान जारी करते रहा। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले चुनाव आयोग की यह प्रवक्ता क्या कह रही है, ये कहती हैं, वोटर टर्नआउट एट 10:17 आवर्स 61.43%। अब देखिए एक और आंकड़ा, वोटर टर्नआउट इज 61.85%, मगर आखिरकार जो आधिकारिक आंकड़ा था वो इससे भी जुदा था, वो था 62.59%। मगर मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा कुछ और है। आपके स्क्रीन्स पर ये हैं बीजेपी नेता बीएल संतोष, ये क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पोल्स के बारे में तीन फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। आखिरी दो घंटे में 17% वोट, आम आदमी पार्टी का यह कहना कि ईवीएम्स में गड़बड़ी है, और एग्जिट पोल के नतीजे। अगर आप उनके इन बयान पर गौर कीजिए तो वो कह रहे हैं कि आखिरी दो घंटों में 17% वोट। आखिर बीएल संतोष को कैसे पता चला कि आखिरी दो घंटे में 17% वोट पड़े, जबकि ये आंकड़े कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं हुए। अब आप गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और माननीय रिंकिया के पापा मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं ये सभी एग्जिट पोल होंगे फेल, मेरा ये ट्वीट संभाल के रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 48 सीटें लेकर सरकार बनाएगी, कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूंढें। ईवीएम्स बगैर किसी के मुद्दा उठाए, ईवीएम्स का मुद्दा यहां पर मनोज तिवारी उठा रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी कर्नाटक का जो ट्विटर हैंडल है वो भी ईवीएम्स का जिक्र कर रहा है। डियर ईवीएम्स, यू विल मोर लाइकली बी ब्लेम्ड बाय मेनी ऑन 11th February, प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे विल बी सेइंग और डूइंग। यानी कि विपक्ष तो ईवीएम की बात भी नहीं कर रहा है, मगर अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम्स की बात कर रहे हैं। इन्हें पहले से ही पता है कि आखिरी दो घंटे में कितनी वोटिंग हुई, मगर यह पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। आपको याद होगा कि मनोज तिवारी ने एक टीवी कार्यक्रम में पहले ही बता दिया था कि वोटिंग कब पड़ने वाली है, यानी कि 8 फरवरी को, न्यूज 18 का एक कार्यक्रम था। यानी कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग देश की जनता के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए काम करती है। मगर क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजे आए? जी हां, असली नतीजे भी नहीं आए और मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े को मिर्ची लगने लग गई। मसलन गौर कीजिए इस पत्रकार के एक कार्यक्रम पर। यह वो पत्रकार है दोस्तों जो फिरौती वसूल करने के आरोप में 2 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में रहा। अब इसने अपने कार्यक्रम में क्या क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। दिल्ली की जनता के लिए राम मंदिर कोई मायने नहीं रखता, धारा 370 कोई मायने नहीं रखती, बालाकोट हमले कोई मायने नहीं रखते, देश के टूट जाने की इन्हें कोई चिंता नहीं है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, दर्द देखिए इसके भाव में, दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही लिप्त है, उसे बाकी देश से कोई मतलब नहीं, दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, गाली नंबर 1, दिल्ली की जनता यह देखती है कि सेल कहां लगी है, गाली नंबर 2, दिल्ली की जनता आलसी है, गाली नंबर 3,
शराब के जाम पर वो राष्ट्रवाद की चर्चा करती है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना व्यू पॉइंट देना जानती है। आप जानते हैं दोस्तों, इसके इन तमाम बयानात में दिक्कत क्या है। सबसे पहली बात, जब ये कहता है कि राम मंदिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती या धारा 370 कोई मायने नहीं रखता, ये दिल्ली के चुनाव थे, ये राष्ट्र के चुनाव नहीं थे। तो आखिर क्या वजह है कि ये पत्रकार राष्ट्र के मुद्दों को स्थानीय मुद्दा बनाना चाह रहा है? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये शख्स दिल्ली की जनता को गाली भी दे रहा है, मुफ्तखोर बता रहा है, आलसी बता रहा है, और यह भी बता रहा है कि जहां सेल लगती है दिल्ली की जनता वहां पहुंच जाती है, और यह भी कहता है कि शराब के जाम पर वो राष्ट्रवाद के मुद्दों की चर्चा करती है। यानी कि आप राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं शराब से जोड़ के देख रहे हैं। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि उसे लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। दर्द दरअसल यह है दोस्तों। मगर यह मत सोचिएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत जबरदस्त समर्थक है। इसका सबूत मैं बस कुछ ही देर बाद आपको देने वाला हूं। बात वो नहीं है दोस्तों। अब आप इन दो पत्रकारों के ट्वीट्स पर गौर कीजिए, किस तरह से ये शाहीन बाग की महिलाओं पर ताने कस रहे हैं। वो शाहीन बाग की महिलाएं जो वोट देने उतरी थी। पहले पत्रकार कह रहा है, शाहीन बाग इलाके में कागज दिखाते, हम कागज नहीं दिखाएंगे कहने वाले लोग। फिर दूसरा पत्रकार जो है वो कह रहा है, कागज दस्तावेज सब दिखाएंगे। ये पत्रकार इतने नासमझ हैं दोस्तों। दरअसल शाहीन बाग की जनता किस बात का संघर्ष कर रही है कि जब नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा तब यह सरकार आपका आधार कार्ड तक नहीं मानेगी, आपका पासपोर्ट नहीं मानेगी, आपका पैन कार्ड नहीं मानेगी। अगर ये तीनों दस्तावेज सरकार स्वीकार कर ले फिर यह आंदोलन ही नहीं होगा। संघर्ष इसी बात का तो है। अब इन्हें इस बात पर भी आपत्ति है दोस्तों कि ये लोग जो हैं लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सोचेंगे ऐसा क्यों, इन्हें कहां से प्रेरणा मिल रही है? इनको प्रेरणा मिल रही है अपनी पैतृक पार्टी यानी बीजेपी से। मसलन बीजेपी कर्नाटक का जो ये ट्विटर हैंडल है वो किस तरह से शाहीन बाग की महिलाओं को ताने मार रहा है। वो शाहीन बाग की महिलाएं जो लाइन में खड़ी हैं वोट देने के लिए, ये कह रहे हैं कि ये दस्तावेज बचा के रखना एनपीआर में काम आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, इन पत्रकारों और बीजेपी की भाषा में क्या कोई फर्क है? दोस्तों आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे हनुमान जी के आशीर्वाद लेने, तब मनोज तिवारी ने एक निहायत ही विवादास्पद बयान दिया था। यह कहा था कि उनके जाने के बाद उन्होंने पंडित जी से अपील की है कि वो मंदिर को धुलवाएं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उसे अशुद्ध कर दिया है। उसी हाथ से उन्होंने जूते उतारे और उसी हाथ से उन्होंने माला पहनाई। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि आप जूते हाथ से नहीं उतारेंगे तो किससे उतारेंगे। बात वो नहीं है दोस्तों। अब गौर कीजिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हनुमान के बारे में क्या कह रहे हैं। दिल्ली के दोस्तों, सीपी वाले हनुमान जी अब क्या कह रहे हैं? कहने को इस बयान में कुछ गलत नहीं है, मगर कल्पना कीजिए यही बयान सीपी वाले हनुमान जी अगर कोई कांग्रेस नेता या आम आदमी पार्टी का नेता कहता तब यह मीडिया क्या कहती, तब भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता क्या कहते। मुझे आपत्ति दरअसल दोस्तों इसी दोहरे मापदंड पर है। मुझे आपत्ति इसी बात पर है कि हिंदू धर्म को कुछ लोग अपनी बपौती समझ गए हैं। जी हां, अपनी बपौती, अपनी मिल्कियत। और इन्हें यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के नेता भैया जी जोशी भी कह रहे हैं। गौर कीजिए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बातचीत कर रहे थे लोगों से क्या कहा, और ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं, हिंदू का मतलब भड़काऊ नहीं, हिंदू किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, हिंदू का मतलब खुले मन खुले सोच का प्राणी जो अपनी राय रखता है। तो सुन रहे हो ना बीजेपी। मगर हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग भैया जी जोशी के इस बयान के पीछे एक दूसरा तर्क भी देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उग्र हिंदुत्व की नुमाइंदगी कर रही है। उग्र हिंदुत्व यानी कि यह बताना कि पिछले 600 सालों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुगलों ने अत्याचार किए, कांग्रेस ने अत्याचार किए।
अब हो सकता है कि भैया जी जोशी जब ये कहते हैं कि हिंदू बीजेपी की बपौती नहीं, कहीं वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का स्वरूप बीजेपी अपनाती है वही स्वरूप बाकी राजनीतिक दल भी अपनाएं, यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को इसी तरह से डरा हुआ भड़काऊ बताएं। इस बात पर आपको सोचने की जरूरत है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हिंदुओं को असुरक्षित ना बताया जाए या भड़काया ना जाए, क्योंकि हिंदू इस देश में 75 से 80% हैं। अगर आप उन्हें असुरक्षित बताएंगे, भड़काएंगे, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं जाएगी। और यह सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे देश बदनाम हो रहा है, हिंदू बदनाम हो रहे हैं। मसलन आप गौर कीजिए कि इन्होंने अब कश्मीर पर इनका ताजा शगुफा क्या है। इन्होंने अब कारण बताया कि दरअसल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को पीएसए के अंतर्गत दरअसल हमने क्यों बंद किया है। पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब यह बताने से पहले कि इन्हें क्यों बंद किया गया, मैं पहले आपको यह बता दूं दरअसल पीएसए है क्या। आपके स्क्रीन पर पीएसए के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को भड़काऊ या राज्य के लिए नुकसानदेह मानकर हिरासत में ले सकती है। यह कानून आदेश देने वाले अफसर के अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। कानून के सेक्शन 13 के मुताबिक हिरासत में लेने का आदेश केवल कमिश्नर या डीएम जारी कर सकता है। इसमें कोई भी यह कहने के लिए बाध्य नहीं है कि कानून जनहित के खिलाफ है। अब हम दोनों मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। क्या आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला को किस वजह से पीएसए में बंद किया गया है? मुद्दा नंबर एक, इस डॉजिए में यह कहा गया है कि दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जब आतंकवाद अपने चरम पर था तब उन्होंने जनता को प्रेरित किया कि आतंकवाद के बावजूद वो पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट करें। सोचिए साहब, कितना बड़ा गुनाह हो गया। और दूसरा कि ये भड़काऊ ट्वीट्स करते हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला ने अपना आखिरी ट्वीट क्या किया था। कश्मीर के लोगों, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या है, सुरक्षित रहिए और सबसे ऊपर शांति बनाए रखिए। आज मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये शख्स ये कह रहा है कि आतंकवाद के बावजूद तुम जाकर वोट का इस्तेमाल करो, ये संविधान में विश्वास कर रहा है। अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा गया है कि यह खतरनाक सोच, साजिशें रचने वाली और डैडीज गर्ल यानी कि पिता की दुलारी है। अब महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपना बयान दिया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि डॉजियर में महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या है और महबूबा ने उसका क्या जवाब दिया है। डॉजियर में यह कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर दस्तखत नहीं किए कि वे धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी। अब महबूबा इसका क्या जवाब दे रही है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को चुनावी तौर पर लगातार भुना रही है तो मैं क्यों नहीं इस मुद्दे पर कुछ कह सकती। अब डॉजियर में दूसरी बात पर गौर कीजिए। इसमें कहा गया है कि महबूबा भड़काऊ बयान देती हैं और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। महबूबा ने इसका जवाब यह दिया है कि अगर आपको लगता है कि मैं भड़काऊ बयान देती हूं तो कृपया इसके प्रमाण पेश करें। मुद्दा नंबर 3, पीडीपी हरे झंडे के तहत काम करती है और उसका वजूद में आना सवालों के घेरे में है। महबूबा इसका क्या जवाब देती हैं? सबसे पहले वो कहती हैं कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की वर्दी में हरा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके भी झंडा में हरा है। तीसरी बात, हमारे अपने तिरंगे में दोस्तों हरा जैसा खूबसूरत रंग है। डॉजियर में इसके बाद महबूबा मुफ्ती पर यह आरोप है कि वे पृथकतावाद को बढ़ावा दे रही हैं। तो महबूबा इसका जवाब दे रही हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी जैसे कि यह खबर कह रही है। यही नहीं, 2.5 से 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक साथ थे, तब आपको इस पृथकतावाद की याद नहीं आई? तब कहां गए थी ये तमाम आपत्तियां? दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरह से इस डॉजियर के जरिए भारत की जग हसाई हो रही है, उससे क्या बातें उभर कर आती हैं, इस पर आप गौर कीजिएगा। मुद्दा नंबर 1,
भारत की अंतर्राष्ट्रीय छीछा लेदर बदनामी, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण, आप ये पूरा प्रोपेगेंडा अब पाकिस्तान के हाथ में सौंप रहे हैं। कश्मीर अगर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी क्यों नहीं? आपने वहां की मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को पराया कर दिया एक ही झटके में। क्या कश्मीर की बागडोर अब आप उग्र तत्वों के हाथ में यानी कि आतंकवादियों के हाथ में सौंप रहे हैं? मैंने आखिरी बात क्यों कही दोस्तों? क्योंकि जब आप राजनीतिक दलों को पीएसए के अंतर्गत जेल में रखेंगे, नजरबंद रखेंगे, तो कश्मीर के अंदर किसका फरमान चलेगा? आतंकवादियों का ना, जिन पर कोई कानून नहीं लागू होता, जिन पर किसी तरह का कोई फरमान लागू नहीं होता। तो आज इस मुद्दे को लेकर सवाल सिर्फ मेरे जैसे पत्रकार नहीं उठा रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया के पत्रकार भी उठा रहे हैं। मसलन ये पत्रकार, इनका नाम है आरती टिक्कू सिंह, इनको मोदी सरकार ने अमेरिका भेजा था कश्मीर पर भारत की बात रखने के लिए। अब ये क्या कह रही है, इस पर आप गौर कीजिए। रीजंस फॉर स्लैपिंग पीएसए अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला रीड्स लाइक अ बैड जोक, एक मजाक है। इट्स शेमफुल दैट बीजेपी गवर्नमेंट कॉल्स दिस अ डॉजिए। देयर इज नॉट अ सिंगल चार्ज अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नो रीजन व्हाटसोएवर टू कीप हिम डिटेन्ड, इन्हें नजरबंद कर रखने की कोई वजह नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट अब्यूज ऑफ पावर, ये सत्ता का दुरुपयोग है। ये मैं नहीं बल्कि आरती टिक्कू सिंह कह रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी से कि आप भारत की कितनी अंतर्राष्ट्रीय जग हसाई करोगे हुजूर। बहरहाल न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज पिक को न सिर्फ सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई शो करूंगा सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।